भैंसों देखे थे, बला की खूबसूरत है तेरी सुनहन, कयामत लगोगे यह हाल। सारा तुम्हें हमारा लड़का पसंद है ना? जी साथी। तुमने ख्वाबों में जो अपने लिए शहजादा देखा था वैसा है कि नहीं मेरा नवासा? उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे हैं ये। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम दोनों को बस खुश रखे। वाओ सारा, क्या बात है, तूने एंगेजमेंट कर लिया और हम सबको बुलाया भी नहीं, और अब अपने फियांसी का फोटो भी नहीं दिखा रही। हद है यार। ऐसा तो नहीं कि वो इतना हैंडसम है ना कि तू डर रही है कि कहीं हम में से उसे? यार प्लीज गाइस, ऐसा सोच भी नहीं सकती मैं। आई मीन वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि सोचने का तो मौका भी नहीं मिला, और ये सब सिर्फ हमारे परिवारों के बीच में ही हुआ। वैसे भी अम्मी ने कहा है कि निकाह होगा ना तो तुम दोनों को इनवाइट करूंगी, आई प्रॉमिस, बहुत धूमधाम से होगा सब कुछ। एक पिक तो दिखा, एक पिक तो होगी। हाँ यार चल पिक दिखा। ठीक है, कॉलेज है। आओ। ओहो, हैंडसम है। वाओ यार, शो मी शो मी गर्ल, हाँ बहुत ऑसम जोड़ी है। बिल्कुल। अरे तेरा फियांसे। क्या बात है, हम दूर से ब्लश करेगी क्या? जा और जाके उसे हाय बोल, जा ना जा। ओके। सारा, कौन है वो लड़की? पता नहीं यार, लेकिन तेरी और उसकी तो एंगेजमेंट हो गई है ना, वो ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? हाउ डिस्गस्टिंग रियली। वेट, आई विल गो एंड आस्क। नो 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 प्लीज, तुम लोग प्लीज उससे बात मत करना, मैं खुद उससे बात करूंगी। मैं ऐसे यहाँ कॉलेज में सबके सामने कोई इशू नहीं करना चाहती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छी फैमिली मिली है हमें। अच्छा ये बता, कॉलेज में समय से मुलाकात हुई थी? कुछ बात हुई? जी अम्मी, हुई थी ना। अच्छा हुआ। समय की अम्मी बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी पता नहीं समय सारा से बात कर पाएगा या नहीं। मैंने कहा आपने अपने बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दी है तो हमारी बच्ची के सामने अच्छे से पेश आएगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। क्या हुआ बेटा? कहाँ खो गई? अभी वो कॉलेज की कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचती है, कुछ भी नहीं। अच्छा तू जा, हाथ मुंह धो ले, मैं जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। जी अम्मी। चल बेटा। मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। हाय सारा, गुड टू सी यू, हाउ आर यू? एनीवे, सारा, मीट रिचा, शी इज माय गर्लफ्रेंड एंड दिस इज सारा माय फियांसे। वाओ, बहुत लकी हो तुम, जो तुम्हें इस समय जैसे बंदे से कमिटमेंट मिला। लकी गर्ल यू नो। समय या? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ।
क्यों? आई मीन सारा यही बोलो क्या बात है सबके सामने क्या? वैसे भी सारा हमारा जो कुछ भी है वो आउट इन द ओपन है सबके सामने ही, पार्टी में जाने का क्या फायदा? सारा आई जस्ट होप कि तुम यू नो सिचुएशन समझ रही हो, यू नो आई एम लिटिल बिजी या नहीं, मैं सिचुएशन नहीं समझना चाहती, और अगर ऐसा ही था तो मुझसे एंगेजमेंट की ही क्यों? कम ऑन चिल, कम ऑन सारा, व्हाई आर यू मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट? हां और वो भी सबके सामने, और इसमें मेरी गलती नहीं, मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे थे तुमसे एंगेजमेंट करने के लिए। अगर मेरी मर्जी चलती ना तो आई स्वेयर मैं तुमसे अपनी लाइफ में कभी एंगेजमेंट नहीं करता। गले में रिचा या कॉलेजी किसी भी लड़की से कर लेता, बट तुमसे तो कर लेते इनमें से किसी से एंगेजमेंट, मुझसे एंगेजमेंट क्यों किया? नाटक क्या कर रहे हो तुम ये रोने धोने का? हां सबके सामने फोन करने का सीन ओवर, और वैसे भी यार ये एंगेजमेंट होना टूटना निकाह होना टूटना इट्स वेरी कॉमन, बहुत होता है आजकल, समझे तुम? तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? हाँ तुम्हें ए प्लीज मेरी बात क्या बर्बाद की है? क्या बर्बाद की है मैंने? हाँ तो तुम्हें वजह जाननी है ना तो वजह सुन, मेरी दादी दीमा कैंसर के लास्ट स्टेज पे है वो, तो तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में पता क्या है? वहाँ मेरे घर वाले मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। वेरी केयरफुली सारा, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और एक बात बता, हमारे निकाह में अभी 10 महीने है ना, राइट? और मुझे नहीं लगता मेरी दादी 10 महीने तक रह पाएंगी इस दुनिया में। जिस दिन मेरी दादी इस दुनिया से गई, उस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिगड़ा, रिश्ता बिगड़ा। I just hope and pray for you कि तुम्हें तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट मिले, मुझसे नहीं होगा। एनिया, सारा एक बात कहूं, इस दुनिया में मिस्टर परफेक्ट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मिस्टर परफेक्ट होता है, और जिस दिन मैं अपने मिस्टर परफेक्ट से मिलूंगी ना, मैं जरूर सारा रो मत प्लीज, सीसी प्लीज डोंट क्राई, जैसे मैं समय का दोस्त हूँ वैसे तुम्हारा भी दोस्त हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ? क्या बताऊँ मैं तुम्हें, तुम थे ना वहां, अरे समय ने मुझसे कैसे बिहेव किया, शायद ये मेरी गलती कि मैं इतनी खुश थी सब चीजों को लेके, एक्साइटेड थी। तुम्हारी नहीं, समय के इस अजीब बिहेवियर की वजह तुम हो ही नहीं, तो ये ब्लेम तुम खुद पे मत लो। समय आजकल किसी से भी ठीक से बात नहीं करना चाहता, वो हर एक इंसान से नफरत करता है, और सबसे ज्यादा नफरत करता है तो लड़कियों से। और जिसके मन में तुम्हारे अगेंस्ट पर्सनली कुछ है ही नहीं, रश्मि फिर उसने ये सब किया क्यों?
क्योंकि कभी कभी लोग दूसरों को उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह उन्हें ट्रीट किया गया है। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ समय के बारे में। मूवी टिकट्स, शाहरुख की मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चलें। क्या बात कर रहे हैं रे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो दोस्त है यार मेरा, कासिम ली। ले आया। शाहरुख खान की मूवी, योर फेवरेट हीरो, लेट्स जस्ट गो। या, सी यू ऑफिस। गाइस, वो मिस करना पड़ेगा यार। विवि, आई एम सो सॉरी, मेरे कुछ और प्लान्स है यार। तुझे पहले बताना चाहिए था ना यार। तू चल। यार रेश, तू एक काम कर, तू ना अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ चले जा। मैं और अदिति ना बाद में देखेंगे। अच्छा अदिति, वो रिश ना ऋषभ, वो ना कल तुम्हारे फेवरेट हीरो शाहरुख खान की मूवी देख के आया, वो बता रहा था कि क्या मूवी थी, हीरो सब कुछ अच्छा था लेकिन ऐसा की का परफॉर्मेंस, मतलब क्या परफॉर्म किया इसने यार। तुमने फिल्म देख ली? हाँ। अच्छा बेबी, किसके साथ देखी, रिचा के साथ या सलोनी? नहीं, वो राहुल ने दो टिकट बुक करा ली थी तो मैं उसका चली। अदिति, अदिति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा फोन वापस करो। दे रहा हूँ बेबी, दे रहा हूँ, ये लो, दे लो। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने राहुल के साथ मूवी क्यों देखी? क्यों का क्या मतलब होता है? ओके बेबी, रिलैक्स। लेकिन बेबी, तुम मुझे बता तो सकती नहीं ना कि तुम राहुल के साथ मूवी देखने जा रही हो? हाँ बेबी, कल को हमारी शादी होगी, तुम एकदम बोल दो कि नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे राहुल या किसी के साथ शादी करनी है, तो बेबी ऐसा। ओह गॉड, आर यू फॉर रियल राइट नाउ? ये शादी वादी का टॉपिक कहाँ से आ रहा है? अदिति, शादी का टॉपिक इसलिए आ गया बिकॉज आई रियली लव यू, मुझे लगा था कि तुम भी वही फील करती हो जो मैं फील करता हूँ, हम फ्यूचर साथ में बताएंगे। क्या फ्यूचर, लाइक सीरियसली, हम लोग अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, अभी ये हमारा एंजॉय करने का टाइम है यार, मतलब तुम कहाँ चले गए हो ये फ्यूचर देखने? गॉड बेबी, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अगर कमिटमेंट की पूरी बात तो नहीं है ना? प्रॉब्लम है, मेरे मॉम ने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें सेम कम्युनिटी का लगता है। बेबी मैं कन्विंस कर लूंगा, मैं बना लूंगा उन्हें, प्लीज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी सिर्फ लाइफ एंजॉय करनी है, मेरे को अपनी कॉलेज डेज एंजॉय करने हैं, भले वो तुम्हारे साथ हो, राहुल के साथ हो या फिर किसी और के साथ हो, आई रियली डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ। ओके बेबी ठीक है, बट लिसन टू मी बेबी, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, स्टॉप इट यार, ये ड्रामा बंद करो, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आया कि मुझे कोई सीरियस चीज नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, और अगर तुम्हें सच में कोई सीरियस गर्लफ्रेंड चाहिए ना तो किसी और को दूँ, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट लव यू। अदिति,
लोग कहते हैं पहला प्यार बुलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें पता है उससे भी ज्यादा मुश्किल क्या होता है? पहला हार्ट ब्रेक बुलाना। सैम के लिए आदित्य को बुलाना इम्पॉसिबल हो गया था। उसने बहुत वक्त लिया इस सबसे बाहर निकलने में, अपने आपको पूरी तरह हील करने में। इस सब समय में कहीं ना कहीं वो खुद ही बदल गया। वो पहले वाला स्वीट सा, इनोसेंट सा, सिंपल सा सैम रहा ही नहीं। समझ सकती हूँ उसकी हालत। सारा मैं ये नहीं कह रहा कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही था, वो बहुत गलत था, ही वाज 100% रॉन्ग। पर उसे इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। एक गुस्सा उसके अंदर रह गया जो वो कहीं निकाल ही नहीं पाए। वो किसी से भी क्लोज होने से पहले अब डरता है। एनीवेज मैं चलता हूँ, यू टेक केयर, ओके? सी या। आप लोगों को लिटरेचर पे असाइनमेंट लिखना है, ओके? आज से आप सबको यहाँ 6 घंटे बैठना है, सारे बुक्स देखिए और कोई भी एक बुक पढ़िए और उसमें से 5000 वर्ड्स में मुझे लिख के चाहिए, और सारे असाइनमेंट्स आपके सबमिट हो जाने चाहिए टाइम पे, वरना सारा साल डिटेंशन में निकल जाएगा, ओके? बट मैम, द थिंग इज, डोंट यू थिंक दैट नो एक्सक्यूजेस, वर्ड्स आर टू मच, नो एक्सक्यूजेस, प्लीज मैम, मैम। नहीं रश, तो सान पहले मैंने उठाई, सान देख रिश, देखी तो पहले मैंने ना, हो सकता है लेकिन हाथ मेरे आई है तो तू भूल जा, सॉरी। सुन सुन रिश, मुझे बुक्स पढ़ लेता है, मुझसे पढ़ते नहीं बनती, ये मैं पढ़ लूंगा, प्लीज मेरा अच्छा भाई ना, ये मुझे ऐसा ना कि भाई के लिए इतना नहीं कर सकता, मेरे सामने चलता है नहीं, सॉरी। यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी आवाज कर रहे हो तुम, सब पढ़ रहे, बस कम करो। हाँ ओके। ये अच्छी बुक है, लाइक सीरियसली दिस बुक? हाँ हाँ क्यों सारा, अगर इस बुक को मैं 5 साल भी पढ़ूंगा ना, तब भी कंप्लीट नहीं कर पाऊँ। ठीक है, अब सारी मोटी बुक्स, ये बुक देखो, बहुत अच्छी है और तुम्हें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। चुप जाए सारा, रिवेंज ले रही हूँ। हाँ मैं 30 साल का हो जाऊंगा ना, तब भी ये बुक खत्म नहीं होगी। यू डू योर वर्क, आई विल मैनेज, ओके? नहीं और समय, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हें इस किताब की कहानी सुना दूं, फिर तुम अपना असाइनमेंट भी लिख सकते हो। नो थैंक्स।
the way, my assignment was correct. मैंने सबमिट भी कर दिया. So, कोई नई कहानी सुने? Yeah? इतना टाइम नहीं है मेरे पास. क्यों? I mean, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी. मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जिनमें बात करने की तमीज है. कल तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताया, तुमने इतनी अच्छी कहानी सुनी, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. तुमने थैंक यू तक नहीं बोला. सारा, I'm sorry. यार वो, actually मुझे लगा कि तुम ना मुझे ऐसी कहानियां सुना रही हो बस मुझे हंसाने के लिए. I'm sorry. असाइनमेंट जितना अच्छा हो फिर भी भरोसा नहीं है. अरे पापा मैं ना ये सारा थैंक यू. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट स्टोरी शुरू करें. स्टोरी मैं ही चूज करूं. नहीं सुन ली तो बता दो. डन मैडम, एज यू से. चलिए. आज है. आज की कहानी का नाम है द मर्चेंट एंड द जीनी. से दूर सबसे दूर. क्या? एनीवेज आज के लिए काफी. थैंक यू. समय चाय होगी? कॉफी. कॉफी. एंड सारा वो जीनी वाली स्टोरी में आगे जाके हस्बैंड वाइफ भी आ जाते हैं. आई मीन सो मच इंटरेस्टिंग. नाइस. आप एक काम करते हैं ना, आज कोई नई स्टोरी करते हैं. क्या लगता है आजकल कोई बहुत बड़ाई कर रहा है? हाँ आओ. अच्छा चलो मैं आती हूँ. सी यू. ठीक है. दो. ठीक. तो आज हम प्यार और भरोसे की कहानी सुनेंगे. ओके. नहीं, ये सब मुझे पहले से पता. तो फिर उस तोते के बारे में बता. तोता? अभी ये तोता कहाँ से आ गया? तुम्हें कुछ नहीं पता. मैं तुम्हें कहानी सुनूंगी. ओके. Thank you.
सारा वैसे एक बात बताओ, उस आदमी ने उस तोते को क्यों मारा? उसे तो अपनी बीवी को मारना चाहिए था। समय, शायद उसे उनमें से किसी को मारना नहीं चाहिए था। नहीं, लेकिन उस तोते ने उस आदमी को वही बताया जो उसने देखा, और ऊपर से उसकी बीवी भी तो उससे झूठ बोल रही थी ना। मुझे एक बात बताओ समय, लोग ऐसा कब करते? एक दूसरे पे भरोसा ही ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और उस केस में वो एक दूसरे पे चीट करते हैं। अब कोई दूसरा टॉपिक करते हैं। ये स्टोरीज ना काफी हैवी हो रही हैं। I can't handle it. तो मैं चलती हूँ। कल हम सिंबाद एंड द सीलर की कहानी सुनेंगे, ओके? एक्चुअली कल सैटरडे है ना, और मुझे मंडे तक ना दो असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करने हैं। तो क्या हम आज एक और स्टोरी कर सकते हैं? समय बहुत देर हो चुकी है, मतलब इस टाइम पे रिलैक्स रिलैक्स, घर जाने की टेंशन है ना, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। वो मुझे एक बार अभी से बात करनी पड़ेगी। कर लो। ठीक है, मैं बात कर भी लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, जो तुम चाहो। अम्मी वो एक्चुअली आज हमें थोड़ा लेट हो जाएगा कॉलेज में, आप खाना खा लेना। हाँ अम्मी, हम सना और रिया के साथ ही हैं, और आप बस खाना खा लेना, और हम आपको आने से पहले फोन करेंगे। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। कोई बात नहीं, या उनके पास ना सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर ही बचा था। यम्मी, आई लव इट। सो टेल मी समथिंग। क्या? अच्छा चलो, तुम अपने सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। कम ऑन, जल्दी से। इतना बड़ा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। माना कि हमारी शादी हो रही थी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा, और अब तो वो सीन भी नहीं है। सो यू कैन टेल मी, बताओ, सच बताना। ओके, काश कि मैं तुम्हें बता सकती, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। कभी कभी तो मन करता है कि काश कोई बॉयफ्रेंड ही होता जिससे मैं छोटी छोटी बातों पे लड़ती, जिसकी बात बात पे मैं रूठ जाती, तो मुझे मनाता, मैं छुप छुप के मैसेजेस करती, उसकी फोन उठाती। और मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं। सीरियसली, आई मीन तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? मेरे कहने का मतलब ये कि यार कौन से होगा, पड़ोसी का लड़का, क्लास में यू नो ट्यूशन टीचर, कोई अंकल, कोई तो होगा। प्लीज, मैं जानती थी कि अम्मी और अब्बू मेरे लिए एक अच्छा लड़का देखकर मेरी उससे शादी करेंगे, फिर वही होगा मेरे बॉयफ्रेंड। गेट इट, इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब ऐसे क्या देख लो, चलो।
अरे अभी जिस कहानी खत्म हुई लाइट भी आ गई। कहानी खत्म? हाँ। काफी लेट हो गया, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। नहीं मैं अकेली ही चल जाऊंगी। इट्स ओके, आई विल कम, लेट्स गो। ऋषभ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है एक सेकंड में आता हूँ। हाँ बोलो सारा। ऋषभ वो क्या है ना कि समय ना मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कॉलेज लाइब्रेरी में भी नहीं और कहीं नहीं दिख रहा। और अच्छा तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या हमारा डिटेंशन खत्म हो गया है? भगवान मतलब तुम लोग और कोई प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स नहीं करोगे अब? नहीं फाइनली यार, मतलब पक गया था मैं उस टॉपिक से यार, मतलब कितनी पढ़ाई 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 दिन रात लाइब्रेरी में तो रहता था मैं, मतलब आइंस्टाइन ने भी अपनी लाइफ में इतनी पढ़ाई नहीं की होगी। माय गॉड क्या विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें, इंटरनेट पे सर्च कर लो अभी। क्या हुआ सारा? वो एक्चुअली क्या है ना समय लाइब्रेरी में भी नहीं है, कैंपस में कैंटीन में मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें पता है क्या वो कहाँ है? हाँ तो घर पे ही होगा ना, मुझे भी नहीं दिखा वो दो दिनों से। सब खैरियत तो है ना, मतलब वो ठीक है ना? जैसे ही मुझे पता चलेगा आई लेट यू नो। ए ऋषभ सुनना। हाँ एक सेकंड सारा, मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और हाँ डोंट पैनिक ओके? चलो ठीक है, ठीक है सारा, सी या। सारा भी आ गई। क्या हुआ मम्मी? बेटा आज सुबह सामने की दादी का इंतकाल हो गया। वो तुझे बहुत पसंद करती थी बेटा, जाते जाते कह गई सारा मेरी परफेक्ट बच्ची है। जिस दिन मेरी दादी इस दुनिया से गई उस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म। समय तुम्हें क्या कर?
मैं तुम्हें एक कहानी सुना। एक लड़का था, उसका दिल टूटा था बड़ी जोर से, इतनी जोर से कि उसके बाद उसने कभी किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं की। उसे लगने लगा कि प्यार से बड़ा धोखा कुछ है। पत्थर दिल हो गया था वो अपनी जिंदगी। फिर उस लड़के की जिंदगी में तुम आई साहब, और तुमने फिर से उसे हंसने से कहा। वो जीना भूल गए, तुमने जीना सिखा। तुम्हें पता है साहब, जब तक वो तुम्हें देख नहीं लेता उसका दिन पूरा नहीं होता। तुम्हारी आवाज ना सुन ले तो उसे ऐसा लगता है कि उसके दिन में कुछ तो कर। और सारा पहली बार मेरे अब्बू अम्मी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, आज मैं खुद तुमसे तुम्हारा हाथ ना करूं। तानिया बेशक है कि सारा समय के लिए परफेक्ट बन गई, तब ये बातें मुझे बड़ी बेफिजूल लगती थी, लेकिन अब एहसास होता है तुमसे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलती। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जैसा मुझे बनाना चाहते हो मैं वैसा बन जाऊं। मिस्टर परफेक्ट को गोली मार क्यों ना जिंदगी भर के लिए मिस्टर एंड मिसेस इम्परफेक्ट बन जाए।